हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। और टुडेज़ टॉपिक इज फाइबर टू फैब्रिक। अपन जो फाइबर है उससे फैब्रिक कैसे बनाएंगे, इसके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में अपन बात करेंगे जो वूल है वो अपने को कैसे मिलता है, कौन कौन से एनिमल से मिलता है। अपन इसके बारे में पहले ही बात कर चुके हैं और अब अपन बात करेंगे इसमें कि ये अपने को मिलता कहाँ से है, कैसे उसको अपन ऑब्टेन करते हैं, और फिर अपन कैसे जो वूल होता है हेयर ऑफ शिप उससे अपन अब फाइबर कैसे बनाते हैं, उससे अपने जो क्लॉथ्स हैं वो कैसे बनते हैं। ओके, देन टुडे वी टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ वूल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ वूल। जो वूल है उसकी प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं, ठीक है, उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज होती हैं। ओके, तो ये जो वूल है, आपने मतलब अपने जो हेयर हैं, आपने अपनी बॉडी को जो हेयर है उसको फील किया होगा कि जो आपकी हेड है, हेड के जो हेयर हैं अगर आप उनको टच करोगे तो आपको अलग फील होगा, ठीक है। और इसके अलावा आपकी बॉडी का जो बाकी का जो पार्ट है अगर आप उसको टच करोगे, फील करोगे तो आपको अलग फील होगा, ठीक है। जब आप टच करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो हेड है उसके जो हेयर है वो कैसे होते हैं, थोड़े से क्या होते हैं, रफ़ होते हैं। बाकी अगर अदर आपकी जो स्किन है, अदर पार्ट आपकी बॉडी का, अगर वो हेयर अगर आप फील करोगे तो वो कैसा फील होगा, आपको सॉफ्ट फील होगा, ठीक है। तो अपनी जो बॉडी है उस पर क्या हो गया, टू टाइप्स के हेयर हो गए। तो ये जो वुल है इसमें भी क्या होता है कि जो ये जो वुल है उससे टू टाइप का फैब्रिक बनाया जाता है, टू टाइप्स ऑफ फैब्रिक। ओके, टू टाइप्स का फैब्रिक बनाया जाता है। एक तो देखो, जो अपने आर्म्स के और हेड के जो हेयर होते हैं वो क्या होते हैं, रफ हेयर होते हैं। उसी प्रकार जो शिप हैं उसके भी जो हेयर होते हैं अलग होते हैं, मतलब उसकी बॉडी के जो जस्ट जो क्लोज जो हेयर होते हैं ना, उसकी बॉडी के क्लोज जो हेयर होते हैं उनसे अलग टाइप का फाइबर बनता है, और जो रफ हेयर होते हैं उससे अलग टाइप का हेयर बनता है, ठीक है। एक तो क्या होते हैं, उसके बियर्ड हेयर होते हैं, और एक उसके क्या होते हैं, सॉफ्ट हेयर होते हैं, ठीक है। तो जो स्किन के पास होते हैं वो कैसे उसे सॉफ्ट होते हैं, और जो बाहर वाले जो उसके हेयर होते हैं वो रफ होते हैं। तो जो रफ हेयर होते हैं उनसे अलग टाइप का वूल बनता है, और जो बॉडी के क्लोज होते हैं उनसे अलग टाइप का हेयर बनता है। टू टाइप्स का फैब्रिक बनता है, ठीक है, ये हो गया। अब अपन बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अब अपने को पता है कि ये जो वुल है, अपन क्या करते हैं, जो ये एनिमल्स अपने पास में, इनकी बॉडी से क्या करते हैं, इनके हेयर रिमूव करते हैं, और फिर उसे क्या करते हैं, अपन जो वुल है, जो फैब्रिक है अपना, वो बनाते हैं। तो इसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं, फर्स्ट है वुल है वो कैसा होता है, वुल है वो कैसा होता है, इट इज कंसिडरेबल रिजिलियंट, ठीक है। ये जो हेयर होता है ये कैसा होता है, कंसिडरेबल रिजिलियंट होता है। इट मीन्स इसमें एक लचक होती है, मतलब ये क्या होता है, एकदम सॉफ्ट होते हैं तो आराम से ये क्या होते हैं, आप इसको ऊपर नीचे मूव कर सकते हो, ठीक है। ये क्या, रफ नहीं होते, तो उस वजह से इसमें एक लचक होती है, तो उस वजह से ये क्या होंगे, टूटेंगे नहीं जल्दी से, ठीक है। नेक्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, टेंसिल स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी, ठीक है। इनमें क्या होती है, इलास्टिसिटी होती है इन हेयर्स में, और इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो
पेंसिल होती है, ठीक है, उसमें क्या होती है, ओके नेक्स्ट क्या है इनका, इट कैन एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट। देखो ये क्या कर सकते हैं, ये जो वाटर है उसको लार्ज अमाउंट में ये एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने को पता है कि ये क्या करेंगे, वाटर को, बहुत ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और नेक्स्ट अपना क्या है, लाइट इन वेट, इनका जो वेट होता है वो क्या होता है, लाइट होता है, ओके इनका जो वेट होता है वो क्या होता है, लाइट होता है और इजीली डाई, दे कैन इजीली डाई। Easily dyed. इनका जो कलर अपन जिन जो इनको अपन डाइड कर रहे हैं, इनको जो कलर दे रहे हैं वो अपन इनको easily कलर दे सकते हैं। और next इनका क्या है, ये क्या करते हैं कि जो एयर है उसको ट्रैप्ड करते हैं, ठीक है, उसको जल्दी से कैच कर लेते हैं, क्योंकि ये क्या है, हीट इंसुलेटर है, इट इज हीट इंसुलेटर, हीट इंसुलेटर एंड ट्रैप एयर। ये क्या होते हैं, हीट इंसुलेटर होते हैं और ये क्या करते हैं, एयर को ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है। इनके अलावा और भी बहुत सारी इनकी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, जो अपने लिए बेनिफिशियल है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो क्या है, रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप, रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप। एंड अपन बात करेंगे कि जो शिप है उसको अपन कैसे रियर करते हैं, कैसे उसकी ब्रीडिंग करते हैं, ठीक है। तो अगर अपने को अच्छी अमाउंट में, अगर अच्छी क्वालिटी की, अगर अपने को क्या है, गुड क्वालिटी की अगर अपने को वूल की नीड है, तो अपन क्या करेंगे, जो सबसे चीफ मेथड है वो क्या है, जो डोमेस्टिकेटेड शिप हैं उनसे अपन क्या कर सकते हैं, उनके जो हेयर्स होते हैं उनसे अपन क्या कर सकते हैं, वुल ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। अगर अपने को अच्छी अपनी जो इनकम है वो अच्छी करनी है और वो भी अपने को कम अमाउंट, अगर अपने को कम अमाउंट खर्च करना पड़े, ठीक है, तो ये क्या चीफ मेथड है जिससे आप क्या कर सकते हो, अच्छी अमाउंट में और अच्छी क्वालिटी के वूल है वो ऑब्टेन कर सकते हो, किनसे, जो डोमेस्टिकेटेड शिप है उनसे, ठीक है। और इनको अगर आप जो हिली स्टेट्स में अगर आप जाते हो, हिली एरियाज़ में अगर आप जाते हो, जैसे हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, इनमें, ठीक है, अगर आप इनमें जाओगे तो क्या होगा, आपको ऐसे देखने को मिलेगा कि जो सफर्ड होते हैं, ठीक है, जो भेड़ों को चराने वाले होते हैं, वो आपको ऐसे देखने को मिलेंगे कि वो क्या करते हैं, जो बहुत सारी जो शिप हैं उनको वो ग्रेजिंग करवाने लेके जाते हैं, ठीक है, उनके पास, मतलब एक जने के पास में बहुत सारी वो होती है, तो वो क्या होती है, उनकी डोमेस्टिकेटेड शिप हो गई, ठीक है। और अगर अपन प्लेन एरियाज़ की भी बात करें तो जैसे राजस्थान, गुजरात, हरियाणा है, इनमें क्या होता है, ये प्लेन एरियाज, इनमें भी क्या होता है, सफर्ड होते हैं, जैसे राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, ये क्या है, प्लेन एरियाज हैं जिनमें क्या होता है, शिप है, बियर्ड की जाती है, शिप रियर की जाती है। और जो अगर जो हिली
स्टेट्स है तो उनमें क्या होगा, जैसे हिमाचल प्रदेश है, कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, इन सब में जो सफर्ड है, ठीक है, ये तो क्या हिली स्टेट्स हो गए और ये क्या हो गए प्लेन एरियाज हो गए। इनमें क्या होता है, जो शिप है उसको बियर किया जाता है, शिप को रियर किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गई, और इसके अलावा ये जो शिप होती हैं ये क्या होती है, हर्बीवोरस होता है, ये क्या होती है, हर्बीवोर होती हैं। इस वजह से आप क्या करोगे, इनको इजीली जो ग्रास और जो लीव्स हैं वो इनको आप ब्रीड करवा सकते हो, ठीक है। समर में जो जो समर सीज़न है उसमें जो भी ग्रास और लीव्स जो जो भी इनको मिलती हैं उससे ये क्या करती हैं, आराम से अपना जो फूड है वो ले लेते हैं। इसके अलावा जो विंटर है तो विंटर में ये क्या करते हैं, इनको क्या किया जाता है, जो कोल्ड एरिया है उसमें रखा जाता है इनको, ठीक है, इनको अंदर रखा जाता है विंटर में, ठीक है। और इस टाइम पे ये क्या करते हैं, जो ड्राई लीव्स हैं, ड्राई लीव्स हैं, ठीक है, वो इनको एज ए फोडर दिया जाता है। और जो ड्राई लीव्स हैं उनमें पल्सेज वगैरह, जो ड्राई लीव्स हैं उनके अलावा पल्सेज वगैरह भी आप इनको दे सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो गई, इनकी ब्रीडिंग हो गई, मतलब इनका जो फूड है वो किस तरह का फूड ये लेते हैं, ठीक है। इसमें आप ड्राई लीव्स, पल्सेज, जवार, कॉर्न, ओट्स वगैरह इनको आप दे सकते हो, ओके। नाउ इनफ फॉर टुडे, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, सी यू टुमारो।